दे दिया उनकी प्री प्लान काम था जो मतलब उस साइड कह रहे नहीं हो कुछ भी नहीं था। हम देखे लड़की रेड बॉडी यहाँ पर नील नाखून का निशान सिर में गोला बुरा हाल करके हमारे तब तड़ पाएगा ना उसकी मतलब मेरे ऑडियो एमए से मतलब भी जा रही है आपको सुना देंगे अच्छा। जोड़ देंगे। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए। जी हेलो हेलो अरे बोलिए। हेलो अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ कहीं जाना संतोष का। अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं। हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ हालत तो तमने खराब कर खींच की। अच्छा हाँ ठीक है नहीं। हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब। जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो और पूरा दिमाग लगा लो। ठीक है फिर, या कहो नहीं तो बात है, जो मन पाया कर लियो। ठीक है जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। दोस्त से न्यूली बेटी तेरा दादा कुएं में मर सका है तो कम तम फिर क्या होगी। मतलब मेरे वहां से एक बार तो फेट जाती जब भी अगर क्या आने दे उनकी। उसका बाप था दार में सार एडमिट मन्ना करया, कई ऑपरेशन हुए इसके इसके बाप के। मैं गया हूँ साथ में, इसकी मम्मी ने यह बात कही नहीं तेरा बाप कभी दिक्कत है बेटी आजकल बोले कोई कह जाए कोई मतलब नहीं आने का उसका। तो लड़की से पास वो तो जो पहले उनके स्कीम थे उसके अंदर लेना था वो तो उसके तो मेरे ख्याल था गौरनामा लिखवाया गया माना था पहले। अच्छा वो तो उसका तो दिमाग मतलब इतना कैप्चर कर लिया कि लड़की तो उनका शामिल रोबोट बन गई। मैं जो फिट कर दिया इसमें हुआ कभी नहीं फालतू नहीं कभी गया। उसने बच्चे पैदा नहीं किए खुद ने। क्या पता जी वो इन्हीं करे नहीं करना चाहती हो तो मस्त मलंगा मतलब और विचारेंगे या तो मेंटल ले लेता अपने वहां पे मेंटल करने होती या लड़की मारनी थी। माँ बाप ये कह रहे हैं लड़की हो पाए हो लड़के नहीं हो रहे हैं, रो ये कह रही है भाई मेरा लड़के हो मेरी मेडिकल करवा ले जाए। अच्छा जो उसके माता पिता वो कहे लड़के के लड़के नहीं हो रहे हैं। मास्टरमाइंड वाला लड़की है जी जो इसके ननंद है पूरे मामले के मास्टरमाइंड वो है। देखो आए हैं वो गाड़ी भी दी है मरता है। अच्छा ना गाड़ी भी दी है। आप कितना टाइम रहे फिर वहाँ? ओड़ा खींच का 1 घंटा बस। हेलो वो जो पीले वाला होता है करके 1 घंटे में वापस भी आ गए? वापस भी आ गए, धक्के मार के काट दिया, वापस आए नहीं। आ धक्के मार के काटे? धक्के मार के बाहर काट दिया। मतलब क्या बोल, पूरी मीडिया की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों आपको बता दें कि एक बेटी को ससुराल में इस तरह बेरहमी से मार दिया जाता है, क्या कुछ उसका कारण है, परिवार के लोग हैं, लड़की का भाई है, चाचा है जो साथ में वहां गया था, तो पूरी बातचीत करेंगे हम। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या लोग हो जी आप? लड़की चाचा लड़के तो किस तरह क्या मामला था, कैसे मतलब क्यों मारा उन्होंने? दिक्कत जी दिक्कत और रिश्ता में श्रोता ही आ रही थी। अच्छा फिर भी अपने समाज में ऐसा सिस्टम है मतलब इतनी ज्यादा उजागर नहीं करा मतलब आरोपियों दबाए के बाद न इसका कारण ले और अलग पहुंची है बात तो पहले खुलकर आ जाती बात मतलब इसी बात नहीं समय रहते कार्रवाई हो जाती तो इनती इतनी बताई को नहीं उरा कम बताई बैर बैर बताई और बैर कम बताई तो यहाँ मतलब परिवार वाले नहीं अपना गुड़िया ने जो वहाँ बैर की दूसरे ही नहीं बताया। वो तो जी बेचारी पहले दिन से मतलब वो टॉर्चर करते दबाव में थी मतलब वो भी बहुत शांत स्वभाव के थे। अच्छा। उसने भी कम से कम भाई तेरा बाप ने खर्चा लाया है बतना उड़ा बिठाया थे दिक्कत आया जरूर ले मतलब वो बेचारी शर्माया कितनी बात थी खुलकर ने तो मतलब आते आते ही उड़ा लग पहुंच गया इंजाम ले ले तो उनका प्री प्लान काम था मान का। तो अच्छा वो पहले मैच का लड़के ने वो पहले रहते थे उत्तम नगर में जब इसकी शादी करी उसके बाद में दोजगार शिफ्ट हुए किराए का मकान में। अच्छा। ये अब हुआ और नजफगढ़ में चौथी जगह है द्वारका डिस्ट्रिक्ट में तो ये बुनते एक भी मकान कम्प्लीट अभी तक हुआ नहीं है। वो कारण क्या था कि किराए का मकान हमारा होगा किराएदार ने गवाही देनी पड़ेगी या दिक्कत भी ऐसा बना ले घर का बनाते ही मतलब मिशन को अंजाम दे दिया उनकी प्री प्लान काम था जो मतलब उस साइड कह रहे नहीं हो कुछ भी नहीं था। हम देखे लड़की रेड बॉडी यहाँ पर नील नाखून का निशान सिर में गोला बुरा हाल करके हमारे तब तड़ पाएगा ना उसकी मतलब ऑडियो मतलब भी जा रही है आपको सुना देंगे अच्छा। जोड़ देंगे इसमें आपने बताया देंगे बिल्कुल। हमारा फोन मिल रहा था अच्छा। उसके साथ तक कम की और थी वो मतलब मोस्ट टैगी है कई मतलब आवाज तो उसके कम आवे ध्यान से सुनी और एक बिल्कुल किलके मारा सॉरी उस टाइम मतलब पूरी तंगी में थी वह तो मतलब मारी गई है वह जिस टाइम उनकी फोन करे मारा लो है तो हमने कार्रवाई जुए गाड़ी में टाइम पे लगा परिवार भी इकट्ठा हुआ ऐसी बात नहीं तो उरा चल रहा दिल्ली जान का मेरे हिसाब से हमारे 3.5 घंटे करीब लैग भी जाऊँ 200+ किलोमीटर पड़ा उड़ता है ठीक है नहीं है। तो वहाँ में गए मतलब और जो नजफगढ़ थे मैं उसका 40 किलोमीटर दूर पड़ता वो कौन सा हॉस्पिटल है सफदरजगंज उसमें मतलब हुआ तो हमने सब ग्रह में लैक है और गेट पर खड़े नहीं देखने वे मतलब फॉर्मेलिटी तहत हम उरा खड़े हैं मतलब इसका पास में है जाते उनकी कह के अवेलेबल लड़की तारी गोली खाएगी। मैं गोली कहाँ से आई नहीं बोला कणक का ड्राम दर्ण वास्ता है कणक का ना तो ड्राम जी उनका नाम उनका कणक क्योंकि थैली का आटा खाऊँ दिल्ली में आता जो वहाँ थैली का आटा खाऊँ दिल्ली में तो मैं तो खान लड़की बताया कि थैली का आटा ले आऊँ मैं
तो प्रीप्लान काम था, मारी गई है वो, ठीक है। बाकी वो सैंपल भरिया जो लेबोरेटरी रिपोर्ट में उसमें जहरी वाली नहीं, वो आ जाएगी, सौ मानो शायद आनी है रिपोर्ट हुआ। बाकी उन्होंने जी न्याय पर पूरा भरोसा है और उनकी छाती पर चढ़ गए ना, कल निश्चय दिल्ली में केस लड़ांगे और प्रशासन का भरोसा है, मतलब जीतेंगे, जो भी उनकी सजा होगी वो पक्की तो पक्की दुआ होंगे उनके लिए। मतलब आपके पास फोन किस टाइम आया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, आपकी बेटी का फोन आया था या 8:30-9 बजे उनका आया था जी? अच्छा, हाँ। उससे पहले बेटी का कोई फोन आया हो कि भाई मेरे पास ना? उससे पहले नॉर्मल पोजीशन थी वो, तो जो एक दो बार इसकी माँ के साथ बात होया करती, थोड़ी बात एक दो दिन पहला होया होगा ले, तो उसका मतलब को खास मतलब गौर नहीं करे ले, चलो हम ऐसे चलती रहे और के जो जिसका बर्ताव कराए कर लेंगे और के हुए। अच्छा, तो हमने मतलब को ले ठीक एंगल तो बात ले ही करी, मैं ऐसी बात हम दिख रही मैं जुकरी नहीं करी है ले। रिकॉर्डिंग बता दे एक बार, रिकॉर्डिंग सुनाना, सुना रिकॉर्डिंग देख लो जी आप। हेलो हेलो, हां जी बोलिए बोलिए। हां जी हेलो हेलो, अरे बोलिए, हेलो, अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, बताओ कहीं जाना संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं, हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ, हालत तो तमने खराब कर खींच की। अच्छा, हाँ ठीक है नी, हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब, जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो और पूरा दिमाग लगा लो, ठीक है फिर। या कहो नहीं तो बात है, जो बनता है कर लियो, ठीक है, जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। अच्छा जी, कह रहे हैं हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल हाँ। में एम्बुलेंस का साइरन की आवाज आओगी, रोड की ट्रैफिक की आवाज आओगी, और ये जो रोड़ी किस में आवाज आ रही है, ये घर पे है जी इस टाइम लड़की, ये कह रहे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ये घर पे लड़की इस टाइम पे, क्योंकि एम्बुलेंस में साइरन लगी रोड के, दिल्ली में ट्रैफिक जाम हुआ, आवाज आओगी, आपने कोई आवाज नहीं आई साइड में, घर पे है लड़की इस टाइम पे, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि जो बन सकता है कर लीजिए, बस जिनका दिमाग में उल्टी बंदे चल, मतलब बटर भी कर दिया साथ में और फिर चैलेंज भी दे रहे हैं, वो तो जो देखो दर्शक सुन लेंगे तो साफ 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 सुनाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके रिश्तेदार थे जी, अभी तो अलग बात है, लेकिन आपको भी पता होगा उनको पैसे का कमेंट था या कोई और नौकरी, मतलब किस उस पे ऐसे बोल रहे थे? देखो जी वो ऐसे बोल रहे थे, हमारा परिवार मतलब तो लंबा चौड़ा, लेकिन इसका बाप है, इसकी माँ, ये बहुत न्यायती शरीफ है, ये मतलब ले वो लड़की बहुत न्यायती शरीफ थी, उसने पढ़ते समय या तो स्कूल या घर या कहीं गई है, ले तो कहने का मतलब उनका ये था कि उनकी बात बात समय इतना ताल लगाया कि इसका बैकग्राउंड खत्म है, कुछ नहीं कर सकते, शराफत का उन्होंने फायदा उठाया। अगर जब हमने खुल का बताया दें, फिर तो हमें जो डेड बॉडी हमने मिलनी नहीं थी, वह उनकी प्री प्लान पहले सिस्टम बना रखा था, तो 150 आदमी जाएगा हमें इमीजिएटली तुरंत प्रभाव से, मतलब प्रशासन का शराब था डेड बॉडी लिया इसका नहीं, तो हम 10 दिन पहले उस लड़की ने भी लिया इसका थे, तो मतलब और अलग बात पहुंचे को नहीं, उतनी मरना था उनका नहीं था, कुछ को नहीं कर दे ले, बस इस बात का था, कुछ उन पर 2 सर्विस आएगा थे, 2,00,000+ रुपये भी ना, मैं बता रहा मेरा पीछे दम पर काम चल जाएगा, उनकी थी कौन सी डेड बॉडी, थोड़ा धोते बिक जाएगी, अंतिम तमाम करिए निशान भी उन्हें देखने पा, मैं वो तो दिक्कत बहुत आई है, शनिवार ने मरलिया में रात ना गए हैं, संडे गए हैं, सोमवार ने शाम ने मिलिया हमने, तो वह सोमवार ने शाम ने दे रहा है, तो उसका लग गया मतलब अंतिम लग गया उड़े, तो उनका न्यू सोचे होता मतलब यार न्यू उल्टा काम भी हो जाएगा, 11वां महीना में लड़की के साथ दिन 3 साल हो जाएंगे, और वो खेड़ी है जुलाना के पास उस गांव के वहाँ प्रॉपर, और रवा में 30 साल था दिल्ली में, जो उसका लड़का लड़की है इसका मतलब संतोष का पति ओड़े पैदा हुए दिल्ली में हमें, तो इसी बात नहीं अपना मतलब सिस्टम का मुताबिक गांव में मैं देवी देवते हुए मतलब, और वहाँ पे लड़की ने शादी हो जाए तो लिया हुआ है, उस गांव में भी कभी प्रवेश नहीं करे उनकी शादी के बाद भी, वो इस माइंड के आदमी है, गाँव में कुछ जमीन वगैरह है सब कुछ मिला जी उनका, और जमीन वगैरह तो बैक तो मिला भाई सारा भी, और भी जमीन वगैरह नहीं जी, मैंने को लड़की के साथ दिए बाद लड़की ने ले गया, ऐसी बात नहीं, लड़की ने मां भी कोई देवी देवता का स्थान हो अपने लिया, वहां पे मतलब भी उनका तो बिल्कुल भी होगा सिस्टम है उनका, तो वो तो बदन तेज तरह ले लो, मेंटल ले लो, किसी तांत्रिक का चक्कर में ले लो, वो तो आदमी लग गए, मतलब मामा गए जो उनका कोई चेहरा बस शकिन नहीं, कोई मायूसी नहीं, मतलब रात दोष भी हो रहा है, कोई आंखें में लाल लेनी है, कोई पानी आया नहीं उनका, नॉर्मल फिर नहीं हुए वो तो जी, और उस टाइप के आदमी लग गए मन तो जी। देखो समाज में देखो जब कोई खुशी गमी होती है ना, उस टाइम आना जाना होता है परिवार का, कभी इस प्रकार आए हैं वो कभी कभी कोई खुशी में या किसी उसमें? लड़की का दादा है पल्ली साइड में, हाँ। और 80 का करीब एज है इसकी। अच्छा, एक दिन इसके आस पैर ठंडे हो गए, मैं भाई आज तो नहीं बचता बूढ़ा मैं, हाँ। इसका बीपी डाउन था जी भाई, डॉक्टर ने बुलाया गया, लिया इसका टिक्का लगवाया, थोड़ी थोड़ी शांति से होगी,
अंदर में वो आया जिसकी मम्मी है जो आप बोल रही थी बात कर रही उससे लड़की संतोष से नीली बेटी तेरा दादा कुएं में मर सका है तो कम से कम फिर के आओगी मतलब मेरे वहां से एक बार तो फेट जाती थी जब भी वो लड़की आने दी उनकी उसका बाप था दार में सार एडमिट मना कर कई ऑपरेशन हुए इसके इसके बाप के मैं गया हूँ साथ में इसकी मम्मी ने यह बात कही तेरा बाप का भी दिक्कत है बेटी आजकल कोई कह जाए कोई मतलब नहीं आने का उसका देखो लड़की से बात हुई चलो पहले तुझसे इसे करना है क्यों वो इस करके है उसके मतलब मैं बताऊंगा अपने लड़की से बात होने की थी वहां पर वाई फाई सिस्टम है उनका फोन में अच्छा ऑन कैमरा बात हो कर दी लड़की गई और मेज पर कैमरा होगा तो मैं बात के करा के नहीं कर दी करा अच्छा सभी बातों मतलब उन्हें पता है सिर्फ वो एक बारी मेरी नॉलेज में आई उसके पेपर है लड़की के शायद दो महीने बाद आई हुई साथ इस साल पेपर थे उसके वो भी जो पड़ोसियों फोन पर श्रम की बात अपने माँ बाप लो चाचे लो तो बच्चे अपने कड़ा जावेंगे या पूछे कर दे इतने गंदे आदमी के लड़की के साथ पेपर दिलवाने कौन जाता है अच्छा किस चीज में जाते हैं ये इतने मतलब गए गुजरे आदमी मतलब देखे जिंदगी में तो बस के अभी उसका टाइम ले लियो आखिर में उनती जाओ उनती करना दो करके रहे मैं तो क्यों हम तो न्यो कहाँ जी हम तो न्यायपालिका पूरा भरोसा है पुलिस पर भाई हमने तो बस भुगतान आधार पर उनकी सारी सजा हो जाए वहाँ लड़के तो गई लड़ियान था रही अब वो जो लड़की का जो लड़का है वो उन्हीं के पास है वो तो जी पहले उनकी स्कीम थी उसके नन लेना था वो तो उसके तो मेरे ख्याल था गोदनामा लिखवाया गया माना था पहले अच्छा वो तो उसका तो दिमाग मतलब इतना कैप्चर कर लिया कि लड़के तो उनके शामिल रोबोट बन गई मैं जो फिट कर दिया इसमें हुआ कहेगी फालतू तो नहीं कहेगी बिल्कुल भी आप जब मतलब पता लगा था कितने लोग गए थे वहाँ उसको मुझे 30-35 बंदे तो गाड़ी भरे थे उसके बाद में फिर सोमवार को जब डेड बॉडी ले आए जब एक टूर थे 4-5 थे जितने भी नौजवान थे गांव में 150 प्लस मतलब बालक थे उस टाइम पर तो मतलब पुलिस का लगता है आपको कोई पुलिस का नहीं जी पुलिस ठीक काम कर रही है बिल्कुल हमारे हिसाब से देखो टाइम तो लगा बाकी प्रावधान भी रखे गवर्नमेंट ने 47 दिन में तो मजिस्ट्रेट ने उन तक सजा सुनानी है 15 दिन में कार्रवाई पूरी होनी चाहिए पहले 15 दिन में रिपोर्ट आएगी दी ऑल इंडिया में सैंपल की अब तक सोमवार शायद आ जाएगी वह हमारे हिसाब से बिल्कुल एक रैश उठाया गया है घर ताड़ा लग रहा है उनका बताओ मैं दो में फरार है लड़की है जो ओड़ा दांधली है उसका पुलिस की उसका नाम दर्ज हुआ था हम नाइयों के सामने अच्छा। वो लड़की का नाम कैट दिया वो निकाली गई है जो मतलब अपना संतोष की जो ननद है अच्छा। उसका नाम मैं था साजिश करता मैं वो उसकी ननद है जो शादीशुदा है शादीशुदा जी जब इसकी शादी हुई संतोष की उसके साथ 5 साल हो लिए थे अच्छा हाँ उसने बच्चे पैदा नहीं किए क्या पता जी वो नहीं करे नहीं करना चाहती वो तो मस्त मन लगा मतलब और विचारेंगे वो तो मेंटल ले लेता अपने वहाँ पे मेंटल करने होती है लड़की मारनी थी उसके माँ बाप ये तो लड़की हो पाए वो लड़के नहीं हो रहे हैं रो ये कह रही है भाई मेरा लड़के हुआ है मेरी मेडिकल करवा ले जाए अच्छा जो उसके माता पिता वो कहा लड़के के लड़के नहीं हो रहे हैं मास्टरमाइंड वाला लड़की है जी जो इसके ननद है पूरे मामले के मास्टरमाइंड वो है उसकी उसकी मम्मी मानती है और उसकी मम्मी से और उससे वो बाप बेटा चलते हैं ठीक है नहीं तो मारे लड़के तो भाई साथ साज के आ रहे हमने नहीं कहा भाई यार खबर दूर था दूर लग जावे कोई भला आदमी सुना कि चलो पहला बने भी रहेगी नहीं आगे ही बने कौन सी बंद होगी भाई इस पर गौर करो आगे तक इस खबर ना फैलाओ भाई लड़के ना अपना इंसाफ दिलाओ माता पिता ही ठंडी साथी हो जी और केव तो आने तो रही वाह आपसे कभी बात नहीं हो रही ना मेरे साथ बात नहीं हुई है मेरे छोटा भाई उसके साथ बात हुई है अच्छा अच्छा हां आप पिड़िया वगैरह लेके गए हम पिड़िया लेके गए थे आप गए थे मैं गया था पिड़िया लेके तो कैसा क्या मतलब रवैया था उस टाइम उनका जब आप बहुत गंदा रवैया था उनका जैसे देखो देहात में गांव में हम बात करें तो 2-3 गाड़ियां भी होती है और सारे परिवार के लोग होते हैं तो सभी में से होता ही भाई खुशी की बात है लड़का हुआ है तो सभी जाते हैं तो आप कितने गए थे मम सिर्फ 4 बंदे 3 मम भाई थे एक लड़की छोटी गुड़िया अंकल की लड़की थी वो अच्छा। साथ में गई थी तो उड़ जाते वहाँ उल्टे सुलटे लग गए बोलन उनका कोई रवैया अच्छा नहीं था इज्जत करने की बजाय भाई देखो आए हैं वो गाड़ी भी दी है मरता है अच्छा ना गाड़ी भी दी है आप कितना टाइम रहे फिर वहाँ ओड़ा खींच का 1 घंटा बस मतलब वो जो पीले वाला होता करके 1 घंटे में वापस भी आ गए वापस भी आ गए धक्के मार के काट दिया वापस आए नहीं आ धक्के मार के काट दिया धक्के मार के बाहर काट दिया मतलब क्या बोल के निकाला वहाँ बोल ले भाई और तेरा कोई काम नहीं है जाओ जोन से चीज मंगाई थी घर पर जो सोना और लोटा होता हम लेके नहीं आए अच्छा सोने का लोटा मंगवाया था सोने का लोटा मंगवाया था उनसे एक बात जानना चाहूंगा उस टाइम आपने ये बात नहीं सोची भाई आप जाना मतलब आपके साथ ही होगा तो आपकी बहन बहुत ज्यादा दुखी होगी उस टाइम में भी यही नहीं सोचा कि बहन को घर ले चले भाई साहब जमा दबाव में थी मामला कह भी था उस टाइम लड़की को बोल ली
पता बार बार क्या कहते थे, अगर तेरा ग्रांस लेके नहीं तो तेरे तलाक के कागज घर पहुंच जाएंगे। लड़की बेचारे ने सोचा भाई तेरा बाप का कर्जा शादी अभी तक नहीं पैट रहा, कल तो घर बैठ जाता तलाक हो जाएगा, बाप ने दिक्कत आओगी, वो पहले बीमार है केवरा मर जाए, बस इस शर्म की मारी हुआ कुर्बानी देगी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, पूरा द्रौपदी का कोई आदमी ना तो आवे ना या लड़की द्रौपदी में जावे। उनकी बातों में फिर पता भी ना चले इनको भी क्या चल रहे हैं क्या नहीं। देखो कहानी का तो लड़के ने पूरा पता पाओगा, लेकिन वो फिर मारा समय जिंदगी तो को नहीं आया, बुरा आएगा तो पता इसका थी। उनका समय उनका समय क्यों कुकर होता होगी हुआ फोन पे बात हो जाती है परिवार के समय वो परिवार का शामिल हो कर दी ऑन रिकॉर्ड उनके तो ऑन स्पीकर। तो दर्शकों भाई हम तो सीधे शब्द में एक ही बात कहेंगे कि उस बेटी ने जो है कुर्बानी दी है अपनी। और फिर कहते हैं ना कि लड़के कुंवारे फिर शादियां नहीं होती, क्यों नहीं होती? अगर एक पिता होता जो अपनी बेटी को पाल पलोस के पढ़ा लिखा के और उसकी शादी में इतना खर्चा भी करता है और उसके बाद अगर ससुराल वाले उसकी इस प्रकार से मिल जाए तो वो पिता क्या करे बेचारा। तो दर्शकों आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस बेटी को उस बहन को संतोष को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उसकी माँ इस प्रकार से रो रही है बिलक बिलक के, सिर्फ उसकी एक ही मांग है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दर्शक साथियों से आपसे भी अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।